सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस क्रिकेट हेलमेट की, जो है SM क्रिकेट हेलमेट। ये मैं अभी लेके आया हूँ, ये कुछ मेरे को पड़ा है 650, जबकि यहाँ जो लिखा है यहाँ 750 है, यहाँ दे रखा है 750। इस क्रिकेट हेलमेट प्रोडक्ट को नेट क्वालिटी 1 पीस, जनवरी मंथ ऑफ पैकेजिंग 2018 है। यहाँ सब कुछ दे रखी है इसकी डिटेल्स, और जैसे कि देख रहे हो आप, इम्पोर्टेंट हेड प्रोटेक्टर कैन ओनली प्रोटेक्ट इट इफ इट फिट्स यू वेल। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अपने साइज का ही हेलमेट लीजिए, तभी वो आपको ढंग से प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो अब इसको करते हैं अनबॉक्स। एकदम टॉप पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, बस यहाँ SM लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसे फटाफट खोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ऐसे खोल चुका हूँ, अंदर हेलमेट है और वो मैं खोल चुका हूँ। तो इस हेलमेट को निकालते हैं बाहर। बॉक्स में कुछ नहीं बच रहा है, बॉक्स कर देते हैं साइड। ये रहा हमारा हेलमेट, इसको इस पॉलीथीन से निकालते हैं। जस्ट 3 2 1 यू गो। जैसे कि देख रहे हैं, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। ये रही इसकी ग्रिल और ये रहा हेलमेट, इसको भी इससे बाहर निकालते हैं। इन जस्ट 3 2 1 बूम भाई। तो मैंने टाइम लैप्स करके इसको अनरैप कर दिया है पूरा। और इसमें एक्स्ट्रा आपको ये दो नट दिए जाते हैं हेलमेट में, तो एक्चुअली आपको मिलेंगे ये चारों के चारों, पर एक्स्ट्रा दो मिलते हैं ताकि अगर किसी का अगर कहीं खो जाता है तो आप ये लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा एक पुराने हेलमेट का एक चीज खो चुका है, तो मैं उसमें लगा सकता हूँ ये। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं साइड में ग्रिल है, कवरिंग अच्छी बात है ये, और यहाँ पे भी है। चलो अभी इसे करते हैं असेंबल। और बाकी हेलमेट क्या फॉर्म देख सकते हैं, फॉर्म कितनी प्यारी हेलमेट की देख लीजिए, कितनी मोटी है। और ये कुछ टैग लगा हुआ है यहाँ अंदर देख सकते हैं। दोनों तरफ 3-3 वेंटिलेशन के दे रहे हैं ताकि आपको पसीना आए तो जा सके। और ये फॉर्म जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो आपके हेड को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद ये जो साइज है, शुरू में जो भी आप हेलमेट लेंगे वो थोड़ा आपको टाइट लगेगा, पर तो कुछ समय खेलने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा लूज हो जाता है। ये SM का जाके SM या स्टिकर भी एक। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं असेंबल करना। पहले यहाँ क्या दे रखा है, ये वार्निंग वगैरह देख दी रखिए, आप लोग वो करके पढ़ लेना, मेरे को तो ये सब कुछ पढ़ना नहीं है। छोड़िए, इसको हटाते हैं, इसको असेंबल करते हैं। इसके अंदर भी यहाँ एक सीकर लगा हुआ है राफ्टर का, तो इसको थोड़े टाइम के लिए रह देते हैं। इसकी सीरीज है, यहाँ साइज लिखा है एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल। और इसमें एक है कि जो मेरा पुराना वाला हेलमेट है उसमें से टकिंग करके आउट जो आता था वो वाला है, तो इसमें उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत कम खुलना होता है, आपको अपने साइज का ही हेलमेट फिट करना होता है पहले ही। तो यहाँ मैंने इसे पूरा असेंबल कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। पहले मेरे को थोड़ी मुश्किल हुई थी, पर कोई नहीं, कर दिया आप तो इसे असेंबल अच्छे से। यहाँ मैंने आप देख सकते हैं एक यहाँ पर और एक सबसे टॉप पे रखा, क्योंकि जितना आपकी यहाँ पे आपको जितना आप कंफर्टेबल हो कि यहाँ से आपको बॉल दिखनी चाहिए उतने में ही रखो। ज़्यादा शॉर्ट रख के भी कोई फ़ायदा था नहीं, अगर मैं इसको नीचे की तरफ रखता तो फिर मेरे को कम दिख रहा था, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा ऊपर रख लिया है यहाँ की तरफ रखता, पर यहाँ की तरफ ज़्यादा नीचे होता तो बॉल घुस सकती थी, तो यहाँ ठीक था इसलिए। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं अच्छे से लिख दिया, कर दिया मैंने। तो यार अभी मैं अपने साथ एक SG का डुअल कॉम्बो लाया हूँ थाई का, उसकी वीडियो नेक्स्ट ही है, तो उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ ये एक्स्ट्रा मिलेगा नट, तो इसे मैं अपने दूसरे लास्ट जो इससे पहले वाला हेलमेट था उसमें लगा लूँगा बस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।